देखो भाई इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन सी टू एस सिक्स ऑक्सीजन सी ओ टू एच टू ओ एक बात याद रखिए चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं चाहे स्टोकोमेट्री कर रहे हैं अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है वो सिर्फ सी ओ टू और एच टू ओ बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा कहाँ साफ यहाँ तो कोई डाउट है ओके कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन दिस थ्री हंड्रेड एम एल ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही आप एम एल देखें तो आपको समझ आना चाहिए कि देर इज समथिंग कॉल्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है क्या नहीं होता अभी समझाता हूँ देर इज समथिंग कॉल्ड मोलर वॉल्यूम जो डिस्कस हो रहा है आपको पता होना चाहिए होता क्या है मैं अभी समझा देता हूँ फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्ट मेजर एट रूम टेम्परेचर अब दो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेंगे पहला लगेगा मोलर वॉल्यूम और दूसरा जो कंसेप्ट लगेगा वो अभी सर से बात हो रही थी दूसरा लगेगा कान साहब गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स यहां तो कोई डाउट है कान साहब पहले देख लीजिए कि गे लुजैक्स लॉ जो है वो है क्या ठीक है सो गे लुजैक्स ये लॉ ये बोलता है कि वेन एवर गैसेज कंबाइन केमिकली दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर as well as to the प्रोडक्ट if gaseous under the same conditions of temperature and pressure आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपके सामने जो मित्र आपका बैठा आईसीसी वाला उसको इसकी जो डेफिनेशन है वो याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन तो अजीब सी है मतलब जो है वो बहुत सिंपल है मतलब ये है कि गे लुजाइक जो है उन्होंने जो बात की है वो गैसेस की की है उन्होंने सॉलिड्स और लिक्विड की बात नहीं की है पहली बात दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर गैसेस केमिकली कंबाइन हो रही हैं तो वो जो कंबाइन होती हैं उनके जो वॉल्यूम की रेशोज होती है वो सिंपल रेशो होती है सिंपल रेशो मतलब थ्री इज टू फोर फोर इज टू सेवन मतलब उनका मेरी बात समझ पा सो so, जैसे यही एग्जाम्पल से ले लीजिए मैं तभी मैं ये वाला एग्जाम्पल लिया सो फॉर एग्जाम्पल अगर मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो अगर कंबाइन होगी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर आप टू लीटर सी टू एच सिक्स लेंगे अगर आपने दो लीटर सी टू एच सिक्स ले लिया तो बाकी के वॉल्यूम की जो रेशियोज है वो फिक्स होगी नहीं समझ मैं रिपीट करूं रिपीट करूं देखिए। मिस्टर गे लुजाइक्स कहते क्या वेन एवर गैसेज कंबाइन केमिकली जब भी गैसेज केमिकली कंबाइन होंगी दे डू सो इन वॉल्यूम्स वो उन वॉल्यूम्स में कंबाइन होती है विच बीअर अ सिंपल रेशियो टू इच अदर अपने साथ सिंपल रेशोज बियर करती हैं एज वेल एज टू द प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो रेशोज हैं वो सिंपल रेशोज होंगी अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द ओनली थिंग इज की जो आपके प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं दे शुड भी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर यहां तो कोई डाउट है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लीटर अगर आपने मिथेन ली उसको अगर आपने कंप्लीटली बर्न करना है तो उसके लिए आपको सात लीटर ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी जिससे फोर लीटर CO2 टू और सिक्स लीटर एच टू ओ इन फॉर्म ऑफ वेपर प्रोड्यूस होगा तक कोई डाउट है ओके okay. अब जरा ध्यान से देखिए ये तो है इसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म सो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर मैंने करना है तो मेरे पास एटी एम एल ऑफ इथेन है यहां तक समझ आ गया एटी को फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन अभी आपको समझ आ जाएगा ईज ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है एटी को मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ फोर्टी ये बात समझ में आई क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि एटी एम एल मीथेन के लिए मुझे सेवन इंटू फोर्टी ऑक्सीजन चाहिए होगी फोर इंटू फोर्टी सीओ टू प्रोड्यूस होगी और सिक्स इंटू फोर्टी एच टू ओ प्रोड्यूस होगा एज वेपर यह बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी इसके यूनिट्स मिली लीटर है इसके यूनिट्स मिली लीटर है इसके यूनिट्स मिली लीटर है और इसके यूनिट्स भी मिली लीटर है यहां तो कोई डाउट है रिपीट करो अगर आप एटी एम एल इथेन ले रहे हैं एट्टी मिलीलीटर इथेन के लिए उसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए आपको 280 मिलीलीटर ऑक्सीजन चाहिए जिससे 160 सिक्सटी एम गैस बनेगी और 240 फोर्टी एम वाटर बनेगा वाटर वेपर बनेगा यहां तक कोई डाउट है ये मिस्टर गे, गे लोजैक्स का कंबाइनिंग वॉल्यूम का लॉ है यहां तक कोई डाउट है अब देखिए आपको चाहिए 280 एटी ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 300 हंड्रेड ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा यार यूज़ ही नहीं हुआ आपकी मम्मी ने एक किलो आलू मंगवाए या पांच किलो आलू मंगवा लिए वन फाइव के जी पोटैटो यार सब्जी में तो तीन आलू गए बस थ्री पोटैटोस अब बाकी के आलू जो वो तो वैसे ही पड़े हुए हैं ना आपके किचन में वो यूज तो नहीं हो रहे यहां तक समझ आ रहा है तो so, अगर यहां पर ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर व्हेन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर तो एक बात याद रखिए आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या क्या होगा मिस्टर खान बताएंगे क्या क्या होगा सो रहे थे आप अरे अच्छा बोल रहे वन सिक्सटी एम एल सीओ टू होगा खान साहब मुझे कैसे पता चला आप सो रहे हो अभी जो आपने ली <laughs> तो वन सिक्सटी एम एल सीओ टू ये देखो टू फोर्टी एम एल टू फोर्टी एम एल क्या खान साहब ऑक्सीजन कितना होगा अच्छा जीरो क्या होगा आपने ली कितनी और तू शांति रख भाई वो सोया हुआ है? उसकी हालत तेरी जैसी है और भाई साहब ऑक्सीजन कितनी ली थी आपने क्वेश्चन में कितनी ऑक्सीजन लिया था कितना यूज हो गया तो कितना बच गया नींद उठा या नहीं उठा क्वेश्चन और पूछ लू नींद निकली नहीं निकली खान साहब कॉम्प्लिकेटेड तो, तो नहीं है कोई और एग्जांपल ले लीजिए यार इसमें अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मजा नहीं आया कुछ और ले लीजिए जैसे लटेज अजय लटेज अजय ये ले लीजिए टू सीओ प्लस टू सीओ टू अब दो लीटर अगर आपने कार्बन मोनोक्साइड ली तो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी आपको एक लीटर और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा दो लीटर उसकी जो रेशियो है वो टू इज टू वन इज टू टू होगा कोई डाउट है क्या कोई और एग्जांपल ले लीजिए टू एन एच प्लस सी यू एस ये तो एक्चुअली गैस नहीं है हमें गैसेस लेनी पड़ेंगी ये ले लीजिए टू सी टू एच सिक्स प्लस सेवन ओ टू प्लस फोर सी ओ टू प्लस सिक्स एच नहीं समझ में आया भाई समझ नहीं आया गुरु जी स्किप कर दीजिए आगे चलिए इसका मतलब क्या हुआ भाई अगर ये दो लीटर है तो ये सात लीटर है ये चार लीटर है ये छह लीटर है यहां तो कोई डाउट है तो खान साहब 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन आपने ले ली तो बेसिकली आपने 1250 बटा सात कितना हुआ कट रहा है क्या नहीं कट नहीं रहा सेवन वन दिफ्टी फाइव सेवन सेवन दी नाइन नहीं कट रहा तो मैं एक्चुअली रेशो देख रहा था चलिए तो नहीं कट रहा कोई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तो अगर आपने 1250 ऑक्सीजन ले लिया और 300 हंड्रेड सी सी मीथेन ले लिया ऐसे कर लेता सो टू इंटू वन आपने मीथेन ले लिया ये तो ठीक है ना यार समझ आ रहा है मैं नींद में बात कर रहा हूं इसको बर्न करने के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए सेवन इंटू वन फिफ्टी ऑक्सीजन चाहिए तो सेवन इंटू वन फिफ्टी कितनी होती है सेवन फाइव थर्टी फाइव सेवन होता टेन फिफ्टी तो मुझे दस सौ पचास सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए नहीं समझ में अगर मैं 300 सेंटीमीटर क्यूब इथेन ले रहा हूं तो मुझे 1050 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी जिससे मुझे 4 इंटू वन सेंटीमीटर क्यूब सीओ टू बनेगा और 6 इंटू वन सेंटीमीटर क्यूब वाटर वेपर बनेगा ये बात समझ आ रही है या मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूं ये जो वॉल्यूम्स है भाई ये वॉल्यूम सिक्सड है अब आपने अगर उसमें जबरदस्ती जैसे इस केस में आपको ऑक्सीजन चाहिए कितनी थी टेन फिफ्टी बट आपने डाली कितनी है ट्वेल्व फिफ्टी तो एक्स्ट्रा कितनी रहेगी दो सौ सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा रहेगी नहीं ये इसका कोई फायदा नहीं है ये जो फाइनल मिक्सर आपका बनेगा ना उसमें टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रहेगी ये फाइव फोर द्वेंटी 600 सेंटीमीटर क्यूब CO2 टू रहेगा और जीरो सिक्स फाइव नाइन नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर वेपर रहेगा नहीं में। भाई है। का समझ में आ गया आपको फंडा गैसेस होनी चाहिए गैसेस होनी चाहिए उन पे ये लॉ लगता है अब जैसे ये है वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम्ड ऑन यूजिंग Air, Nain, Ab, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कंसिडरिंग ओनली 20% ऑफ एयर कंटेन्स ऑक्सीजन नहीं समझ में आया अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब एयर में आपके पास ऑक्सीजन कितनी होगी 1/5 मतलब 200 हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कितनी होगी ऑक्सीजन नहीं समझ में आया ओ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा अब ये 200 सौ ऑक्सीजन आपको मिल रही है क्वेश्चन आता है बट जो भी है अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिल रही है अगर आप मेरी बात समझ यार ये 200 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आया, ये तो समझ आ गया ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब रेशो देखिए ये फाइव इंटू की रेशो है तो यहां जो आपको नजर आएगा वो फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन होगी और थ्री इंटू फोर्टी सी टू होगा फोर इंटू फोर्टी वाटर पेपर होगा नहीं समझ में आया गुरु फोर्टी इसलिए लिया कि टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है इस दो सौ को अगर मैं इस पांच से बटा करता हूं तो मेरे पास जो फैक्टर आता है वो चालीस का फैक्टर आता है अब वो जो चालीस का फैक्टर है वो क्योंकि यहां वन है तो मैंने यहां चालीस रख दिया यहां तीन है तो तीन इंटू चालीस कर दिया यहां चार है तो चार इंटू चालीस कर दिया मेरा जो कैलकुलेशन है वो पास्ट हो रही है कोई डाउट है गेल लुजैक्स लॉ में कोई डाउट है मित्रों तो रोकिए गेल लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कोई डाउट है तो रोकिए एक पी आपको भेजी जा रही है जो जो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वो दोबारा से कीजिए जो तीन चार क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो दोबारा से कीजिए समझ आया